नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पेरिनॉर्म टेबलेट के बारे में। दोस्तों, आज आपको बताएंगे पेरिनॉर्म टेबलेट का उपयोग किस किस कंडीशन में किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों बताएंगे पेरिनॉर्म टेबलेट की डोज क्या है, प्राइस क्या है, और दोस्तों पेरिनॉर्म टेबलेट की साइड इफेक्ट क्या है। इसके साथ ही दोस्तों इस टेबलेट के फायदे क्या क्या है, आपको सारी जानकारी दोस्तों हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पेरिनॉर्म टेबलेट की फुल रिव्यू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पेरिनॉर्म टेबलेट की फुल रिव्यू। दोस्तों, पेरिनॉर्म टेबलेट इपिका कंपनी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके साथ ही दोस्तों पेरिनॉर्म टेबलेट की कीमत की बात करें तो इस टेबलेट का दोस्तों प्राइस है 12 रुपये 99 पैसा, जो दोस्तों 10 टेबलेट के स्ट्रिप में आती है। दोस्तों, आपको आसानी से किसी भी मेडिकल में पेरिनॉर्म टेबलेट उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं इस टेबलेट के फायदे क्या क्या है और लेने का तरीका क्या है। दोस्तों, पेरिनॉर्म टेबलेट का उपयोग मतली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों पेरिनॉर्म टेबलेट का उपयोग हिचकी, मॉर्निंग सिकनेस यानी सुबह के टाइम में दोस्तों चक्कर आना, जी मचलाना, और इसके साथ ही दोस्तों अपच, जी मचलाना और छाती के जलन में भी दोस्तों पेरिनॉर्म टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस टेबलेट की रिजल्ट की बात करें तो पेरिनॉर्म टेबलेट का रिजल्ट काफ़ी एक्सीलेंट दिखने को मिलती है, खासकर दोस्तों मतली और उल्टी को रोकने के कंडीशन में। दोस्तों, पेरिनॉर्म टेबलेट उल्टी की एक बेहतरीन दवाई है। दोस्तों, पेरिनॉर्म टेबलेट शेड्यूल एस ड्रग्स में आती है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दोस्तों इस टेबलेट को खरीदें। दोस्तों, अगर कंपोजिशन की बात करें तो पेरिनॉर्म टेबलेट में दोस्तों कंपोजिशन है मेटोक्लोमरापिड 10 mg। दोस्तों, इस कंपोजिशन का काम क्या है, हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर पेरिनॉर्म टेबलेट की साइड इफेक्ट की बात करें तो इस टेबलेट का दोस्तों साइड इफेक्ट अमूमन बहुत कम देखने को मिलती है। फिर भी दोस्तों इस टेबलेट के साइड इफेक्ट अनिद्रा, दस्त, पेट के निचले हिस्से में दर्द, बेचैनी आदि दोस्तों पेरिनॉर्म टेबलेट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर डोज की बात करें तो पेरिनॉर्म टेबलेट का उपयोग दोस्तों 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को मतली या उल्टी होने के कंडीशन में दोस्तों किया जाता है, और इसको डोज दोस्तों सुबह शाम एक गोली सुबह शाम लिया जा सकता है, और दोस्तों डॉक्टर के सलाह के बाद आप इस डोज में आप बदलाव भी कर सकते हैं। दोस्तों, पेरिनॉर्म टेबलेट अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो या करना चाहते हैं तो डॉक्टर के सलाह के बाद ही दोस्तों करें, और किसी भी तरह के दोस्तों दिक्कत होने पे नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।